दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे ये पवित्र नाम है, सब पवित्र लोगों में सुनने देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक पुण्यतान का पवित्र दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। हमें देश में मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। सचमुच में हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो। हमने गीत गाया, दिल से गाया है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु ने हमारे लिए इतना महान कार्य किया, वो महान कार्य कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है, हम बयान नहीं कर सकता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे इतना महान होकर के भी प्रभु हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आप देखिए, प्रभु इतना महान होकर भी प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम क्या था, हम तो कुछ भी नहीं था, हम तो मिट्टी था, परंतु प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। ये बात आपको गीत गाने के समय में भी अगर थोड़ा आत्मा में समझ कर गाएगा तो वहां पर टूट जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु कितना महान है। वो महान परमेश्वर ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु का कालवरी सूली का उस प्यार को हमेशा हमें याद करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर नहीं मरता, हम कभी भी आज इस आनंद के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर नहीं मिलता था। आज जो आशा हमें मिला है, वो आशा हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करना था। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु के आने तक प्रभु हमारे लिए दिया हुआ, प्रभु का उस सूली की मृत्यु को याद दिलाने वाला प्रभु का मेष हमारे बीच में है। उस मेष में जाने से पहले कुछ बात, उस सूली का कुछ और भी आत्मीय गहराई की बात प्रभु के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रार्थना के साथ सुनना भी हो, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मूल्यवान बात है। तो उसके आधार में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 23 और 24 वचन। इतना बड़ी बात है। आप देखो प्रियो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। पेशल पौलुस कहता है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की प्रजा करते हैं। हैं? अरे कोई व्यक्ति क्रूस पर मरने के बाद भी उसका प्रजा होना कितना नेचर की बात है, क्योंकि उन दिनों में क्रूस पर किसको मारा जाता था, सबसे भयंकर बड़ा अपराधी को, गुनागार को, दोषी को, है ना। तो ऐसा एक दोषी के बारे में प्रचार करता है, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को वो बहुत मतलब बुरा लगता। लेकिन हम देखता है यहूदी हो या यूनानी हो, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये वजन परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये वजन हमें सामर्थ्य देता है, ये वजन हमें एक प्रकार बोलेगा तो पाप क्षमा देता है। क्रूस पर क्या हुआ ये बात को जानना ये बहुत बड़ी बात है। ये मार्ग प्रभु ने क्यों चुना प्रियो, ये दुनिया का बुद्धिमानों के लिए ये मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, जीवन पाने वालों के लिए, है ना। आज जो भी मतलब प्रभु का जीवन पाया, जिसको जीवन मिल गया, उसको ये वजन और भी सामर्थ प्रदान करता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरने के द्वारा क्या हुआ, उसका सारा पवित्र लहू बहाया गया। आपको मालूम है लटकाया गया हुआ यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने भाला से छेदा, तब क्या हुआ, उसके मतलब हृदय के अंदर रुका हुआ वो खून भी बह गया। आखिर पूरा खून बहने के बाद पानी आता है, खून बहने के बाद वे पानी भी आया, होने का मतलब आखिरी बूंद लहू तक प्रभु ने हम सबके लिए बहाया, सारा सृष्टि के लिए बहाया बोलना सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रभु, प्रभु हमारे लिए एक अनोखा मार्ग हमारे लिए खोला। ये सच्चाई का भेद हमें खोल कर मिलना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 12 वचन में, इब्रानियों
उसका नौ अध्याय का 12 वचन, बछड़ों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। आनंद छुटकारा प्राप्त किया, आनंद छुटकारा। आप देखिए प्रियो, है हमारा छुटकारा असंभव था, परंतु हमेशा के लिए छुटकारा को प्राप्त किया। प्रियो बहुत मूल्यवान बात है, आनंद छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला हुआ सबसे बड़ा लाभ क्या है? हमें आनंद छुटकारा मिल गया। मनुष्य के लिए छुटकारा असंभव था, हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते थे। प्रियो सूली में क्या हुआ? प्रभु ने हमारे लिए आनंद छुटकारा को प्राप्त करके हमको मुफ्त में दे रहा है। अब देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है भावी इंसान सिर्फ नरक का योग्य है, उस नरक की आग से उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी सूली में बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए आनंद छुटकारा को प्रभु ने प्राप्त करके हमें दिया। देखा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये बात को जानना प्रियो, सूली में क्या हुआ। और इतना ही नहीं, पापी इंसान कभी भी प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, प्रभु की महिमा नहीं हो सकता, पर जो प्रभु ने हमें आराधक बनाया, प्रभु की आराधक बनाया। आप देखिए उसका 14 वचन पढ़ना, इब्रानियों 9:14। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। देखा जीवित परमेश्वर की आराधना करो, है ना, जीवित परमेश्वर की आराधना करो, सेवा करो, उसका वहां पर ओरिजिनल परिभाषा में आराधना करो, ऐसा है नहीं, आराधना करो। प्रियो जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने पवित्र लहू हमारे लिए सूली पर बहाया। आप देखिए आज जो व्यक्ति प्रभु के निकट जब आता है, वो व्यक्ति को बहुत हिम्मत के साथ आ सकता है, धैर्य के साथ आ सकता है, है? क्योंकि उन्होंने प्रभु में विश्वास करने के द्वारा उनको क्या मिला? पाप का क्षमा मिला, उनकी लहू से वो धोया गया, उनका पाप का क्षमा मिला। आपको मालूम है कई बार लोग बहुत हिम्मत के साथ प्रभु की आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उनका विवेक उनको दोषी ठहराता है। भैया हमें ये बात को जानना, प्रभु का लहू हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है, पूरे हिम्मत के साथ हम प्रभु की आराधना कर सकता है, क्योंकि प्रभु के पास आया हुआ हरेक पापियों का पाप प्रभु ने क्या किया मालूम है? 103 भजन संहिता का 12 वचन में लिखा है कि हमारा पाप को प्रभु ने क्या किया, जैसा उदय अस्ताचल से दूर है ऐसा हमारे पाप को क्या किया, दूर किया। बोलेगा तो अभी आपस में कभी नहीं मिल सकता। वो शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है। आप देखिए उधार पाए हुए व्यक्ति का पाप प्रभु ने इस रीति में दूर किया, कभी भी किसी कारण भी उस पाप के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना। अरे पापियों को प्रभु पूर्ण रूप में पाप क्षमा दिया, तो आप उनसे इतना दूर किया जैसे उदय अस्ताचल से दूर है। अब इसका दूरी समझ सकता है? नहीं समझ सकता, है ना। और भी जब बोलता है 85:2 में, मैं एक दो बात आपको बताता हूँ, पाप क्षमा पाया वह लोग इतना याप बांध करके प्रभु की स्तुति आराधना कर सकता है, उसका बारे में आपको समझने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए हमारा पाप का अवस्था क्या हो गया, 85:2। डांप दिया क्या कर दिया प्रभु ने, डांप दिया। कितना अनोखा बात है, प्रभु ने हमारे अपराधों को डांप दिया है, बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को समझना भी है। अभी प्रभु हमारे गलतियों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा, प्रभु ने हमारे गलतियों को डांप दिया है। आपको मालूम है जब मोशे को प्रभु ने कवर किया, प्रभु ने कहां पर कवर किया, किसको मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। इसी प्रकार प्रभु ने डांप दिया, बोलेगा तो फिर कोई किसी को कुछ बात दिखाई देगा
कभी नहीं दिखाई देगा प्रियो। पाप क्षमा का अनुभव बहुत गौरव का है प्रियो। पाप क्षमा पाए वो लोग अपने जीवन में हमें प्रभु से मिला हुआ उस अनुग्रह के बारे में अच्छा समझना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी कितने लोग मानव इस विषय में समझ करके प्रभु की महिमा करता है मालूम नहीं। और इतना भी नहीं, प्रभु एक वायदा देता है, प्रभु अनेक बातों में, प्रभु का वचन सच्चे प्रियो। प्रभु जो वायदा करता है आपको मालूम है यिर्मयाह 31 उसका 34 अध्याय का भी पाठ पढ़ना, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 34 वचन का भी पाठ। देखा उनका पाप भी स्मरण नहीं करूंगा। अरे प्रभु स्मरण नहीं करेगा फिर आप क्यों स्मरण करता है? क्या जरूरत है? प्रभु आपको क्षमा दे करके प्रभु आपका पाप को स्मरण नहीं करेगा, पर जो आप स्मरण करते करते आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना करो भैया। प्रभु ने वचन दिया ना, प्रभु झूठ बोलेगा क्या? प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, प्रभु का एक वचन सत्य है। प्रभु ने बोला है मैं कभी स्मरण नहीं करेगा। प्रियो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ पाप क्षमा पाए वो लोग वास्तव में हम कितना आभारी होकर के प्रभु को महिमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे पापों को सारे अधर्म को क्षमा किया, साथ ही साथ प्रभु कभी भी वो याद नहीं करेगा। आप देखिए इंसान की खूबी क्या है, कभी कभी क्षमा मांगने पर क्षमा देगा, वापस कुछ गलती हो गया है तो है वो क्या बोलेगा, 2 महीना पहले भी तूने वही किया ना। देखा 2 महीना पहले के बाद अभी भी उसका स्मरण में है, मतलब उन्होंने जो क्षमा दिया लेकिन वो भूला नहीं, वो बात को याद रखता है। परंतु प्रियो हमारे प्रभु कहता है प्रभु क्षमा किया है तो प्रभु कभी याद नहीं करेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का कालवरी सूली में बहाया हुआ पवित्र लहू से धोया गया हुआ लोगों का पाप के बारे में प्रभु गवाही देता है मैं उसका पाप को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आप को दिया, हमें अपने आप को दिया। आपको मालूम है हमें अपने आप को दिया बोलेगा तो किसके लिए दिया? हमें खाने के लिए पीने के लिए दिया, हमें खाने के लिए पीने के लिए दिया। कितने लोग ये बात को समझता है? प्रभु खाने पीने के बात बोला तो बहुत लोगों को बहुत वो बात को समझा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला यदि तुम मेरे मांस नहीं खाओगे मेरी लहू नहीं पियोगे तो तुम्हारे में जीवन नहीं रहेगा। ये कैसा कठिन बात है, ये बात सुनने के लिए हम नहीं रुकता भाई। ये व्यक्ति कुछ पागल है, ये व्यक्ति के बात सुनना बोलेगा तो पागलपना सुनना है। आप देखो प्रियो प्रियो हमें ये बात को जानना है। जब योगन का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 53-57 तक वचन पढ़ना। देखो इसमें आपको कुछ बात समझा, यीशु मसीह क्या खाता था? पिता को खाता था। यीशु मसीह क्या पीता था? पिता को पीता था। देखा मैं पिता को खाते पीते जी रहा हूं, ऐसे तुम मुझको खाएगा तो पिएगा तो जिएगा। देखो बहुत सरल बात है। अभी आपको मालूम है हमको यीशु मसीह को खाने पीने के लिए देना है तो यीशु मसीह को मरना पड़ेगा ना। आपको मछली खाना है, मछली खाना है तो कैसे खाएगा? जिंदा खाएगा नहीं, उसको मरना है। आपको मुर्गी खाना है, मुर्गी खाना है तो जिंदा खाएगा क्या? नहीं, मरना है। देखा प्रियो हमारे जीवन में इसके लिए हमें खाने पीने के लिए देने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? मरना पड़ा। प्रियो हम जब भी आराधना के लिए इकट्ठा होने के समय में यीशु मसीह मेरे लिए जीवन का मन्ना, जीवन का रोटी बना, उसके लिए यीशु मसीह मरा, उस बात का घोषणा है प्रभु में।
11 कुरिन्थी 11:26 क्या बोलता, 11 कुरिन्थी 11:26 हो जाए, समय में हम लोग क्या प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की मृत्यु मरेगा तो प्रभु मेरे लिए मर गया, प्रभु का पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया, प्रभु के पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया, इस बात का हम घोषणा करता है। मैं आपको बताने चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में क्रूस का सच्चा प्रकाश अगर नहीं पाया हम एक विजयी जीवन नहीं बिता सकेगा, है ना। पुरुष को हमेशा ध्यान करना, पुरुष का हमेशा ध्यान करके उसमें बना रहना, ये हमारे कर्तव्य है ना। जब भी आप प्रभु का वचन सुनते हैं, विश्वास करता है, प्रभु को कहता है, उसको अध्ययन करता है, प्रभु को पीता है, कितना अनमोल बातें है। हमें प्रभु को खाने पीने में कहां तक विजयी हो रहा है ये बात को परखना है। आपको मालूम है जब हम हरेक लोगों को प्रभु का मृत्यु में हमारा भी मृत्यु हुआ, ये बात बहुत पवित्र लोग नहीं समझता। सर्व प्रभु का अभी जब रोमियो का पत्र 6:6 रोमियो 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। कितने लोगों ने जाना, कितने लोगों ने ये बात को देखा। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मरा, यीशु मसीह अकेला नहीं मरा, यीशु मसीह ने सबको लेकर मरा, यीशु मसीह ने सबको लेकर मरा। लाभ उसको मिलेगा जो ये बात को दर्शन पा करके मतलब विश्वास करेगा, परंतु यीशु मसीह मरा तो सबको लेकर मरा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर का दृश्य रूप है। अगर आप कोलोसियों का पत्री 15 अध्याय उसका 15-22 तक का जब वजन पड़ेगा तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैरोठा है, क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, एक ही या अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए से जी उठने वालों में पहला था, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, देखा, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की, चाहे स्वर्ग में की। देखिए इसका मतलब क्या है प्रियो, सभी सृष्टि को जो भी सृष्टि हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। अभी सृष्टि कलंकित हुआ वो सृष्टि की उस अशुद्धि को प्रभु से दूर करने वाला, उस पाप को दूर करने के लिए सारा सृष्टि को लेकर के यीशु मसीह मरा। सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, सारे मानव जाति नहीं, सारे सृष्टि को लेकर के, बहुत बड़ी बात है ना, सबको उस सूली पर बढ़ाया हुआ उस लहू में चुटका रहे। मैं इसका एक छोटा दृष्टांत आपको बताता हूं। जब नोहा का जहाज में बच गया, कौन कौन बच गया, नोहा का जहाज में बच गया, कौन कौन बच गया, नोहा उसका परिवार बस नहीं, सारी सृष्टि, देखा, सारी सृष्टि उसके अंदर था, सारी सृष्टि उसके अंदर था, परंतु तकलीफ कौन उड़ाया, जाज, तकलीफ कौन उड़ाया, जाज। देखिए कितना लहरे आया, कितना तूफान आया, कितना आंधी आया, जो भी आया सब कौन सड़ा, जाज ने, परंतु जाज में जो था उनको तकलीफ हुआ नहीं, सेफ्टी सुनिश्चित। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, हम सबका पाप का उस भयानक सजा वो सब यीशु मसीह ने अपने देह में लिया
परंतु यीशु मसीह ने हम सबको लेकर के मरा, है ना। रोमियो का पत्री 8:3 वह रहा है ना, पवित्र आत्मा प्रकाशन देगा तभी समझ पाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए रोमियो 8:3। देखा, पापमय शरीर की समानता में भेजकर और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का शरीर मारा जाने के टाइम पर, तोड़ा जाने के समय में, वास्तव में वहां पर क्या हुआ मालूम है? यीशु मसीह के शरीर तोड़ा जाने के टाइम पर वास्तव में तोड़ा गया शैतान। कौन तोड़ा गया? शैतान। शैतान कहां पर रहता है? शरीर में। मैं कल एक अच्छा पुराना विश्वासी के साथ केरल का है बातें कर रहा था, तब मैं उसको मतलब उद्धार का 3 सीढ़ी है ना, उधार पाया, उधार पाते रहता है, उधार पाएगा। वो बोला, मैं पहली बार सुना, पुराना विश्वासी है, है? देखा, आज आपको ये बात कोई पुराना बात नहीं, ये आपको मतलब कोई नया बात नहीं, आपको ये सब बहुत पुराना है। प्रियो, प्रभु ने ये सबका प्रकाश आपको दिया है। प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ आपको मालूम है? जब इब्रानियों का पत्र 2:14 में प्रभु यीशु मसीह के शरीर जब तोड़ा जा रहा था तो कौन तोड़ा जा रहा था? शैतान, मृत्यु की अधिकारी शैतान का सिर कुचला जा रहा था। बहुत बड़ी बात है। प्रभु सूली पर जाने से पहले प्रभु ने क्या बोला? योहन्ना का सुसमाचार 12:31। सारे वचनों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बोल कर जाता हूँ। दुनिया का प्रभु का संसार का न्याय निकाला गया जाएगा, संसार का सरदार को निकाला गया। क्या किया गया? निकाला गया। संसार का संसार कौन है? शैतान। शैतान को संसार का सरदार कहा। संसार का सरदार को निकाला जाने वाला कार्य था, सूली पर हुआ। सबको यह बात नहीं समझता भियो, कुल्लम कुल्लम तमाशा करने वाला परमेश्वर का बहुत बड़ा विजय की घोषणा करने वाला जगह है क्रूस। पड़ोसियों का पत्री में 2:14-15 और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर शिरों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसे प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुलम कुलम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनका जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा प्रियो, क्रूस के द्वारा, क्रूस एक हर नहीं प्रियो, क्रूस एक महान विजय है। यीशु मसीह क्रूस पर ना मरने के लिए बहुत प्रकार शैतान ने बहुत लोगों को इस्तेमाल किया। और चोरों ने भी बोला कि अगर तुम मानव ऐसा परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाओ और हमको भी बचाओ। अच्छा बात बोला ना, सुनने वालों को अच्छा लगेगा। महायाजक और शास्त्री लोग, फरीसी लोग वहां पर खड़ा होकर के बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है करके हम विश्वास तब करेगा, तू उतरा हो ना। प्रभु उनका बात सुनकर के उतर का आया नहीं है ना प्रियो। प्रभु का ऐसे दिखाने का कोई जरूरत है क्या? बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु को जानना। प्रियो, प्रभु ने सूली पर क्या किया, एक बात हमारे जीवन में आज बहुत लोग इस गहरा अनुभव में नहीं चलता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जब हम सुसमाचार सुनता है तो मतलब प्रभु की संगति में रहने का हमारा इच्छा है तो हमारा वो मृत्यु का अवस्था को हमें हमेशा याद रखना। कौन सा अभी हमने पढ़ा ना रोमियो 6:6, और एक बार पढ़कर देखिए वो अनुभव अपने जीवन में। मैं इतना साल पहले प्रभु के साथ मारा गया, ये बात का समझ रख करके हम जीता है क्या? वापस पढ़ रहे 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, आगे साथ भी पढ़िएगा, ताकि चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, देखा प्रियो, आपको प्रभु की संगति में रह करके आत्मीय जीवन में उन्नति पाना है तो ये बात का अच्छा प्रकाश पाना। मेरा अपना मनमानी का सारे बात खत्म हो गया, मेरा पापमय शरीर का हर एक काम खत्म हो गया, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। प्रियो, ये बात तो वचन में लिखा है, तो प्रभु ने ऐसा किया है। प्रियो,
ये बात विश्वास करके आचरण में लाना मेरी और आपका काम है। अगर हम उसको आचरण में नहीं लाएगा तो आपका विश्वास तक एक खोखला है। यहां पर एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए ये सच्चाई को हमें विश्वास करके मानना है। वापस उसका 6-7 और एक बार ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। देखा, जो मर गया अभी भी मरा नहीं है ना। कई लोग मर गया बोल करके, जैसा कई लोग सोता है बोल करके, ऐसा आंख बंद करके सोता है ना, इतना भी गिराएगा तो भी वो जगता नहीं, पर तो सोने वालों को थोड़ा जगाएगा तो जगता है। इसी प्रकार कई लोग नकली बोल के सो गया, मर गया बोल के लेटेगा, थोड़ा चिमटी देकर के लेना, हाँ बोले मरा गया, नहीं अभी नहीं कर रहा है। तो आज अभिनय करने वाले लोग बहुत है, आज एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों में नफरत होता है, कड़वाहट आता है, दिल में बुरा सोचता है। ये सब क्या है? मरा नहीं अभी तक, मरा नहीं, बहुत बात अंदर जमा करके रखा है, समय आने पर सिटी मारेगा। दोर प्रियो, ये कपड़ा कहां तक चढ़ेगा? आप प्रभु के आगमन में जाना चाहते हो, आप प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हो, अपने आप को परखो भी, आज प्रभु मुझको इस्तेमाल करता है कि नहीं, परखो। एक सच्चा मसीह जीवन पाप में जीने वाला जीवन नहीं है ना। जब उसका 11 वचन बनना चाहेगा, 11 तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए यीशु में जीवित समझो। देखा, परमेश्वर के लिए मैं मसीह यीशु में जीवित हूँ, मैं ऐसे नहीं जीवित हूँ, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, मैं पाप के लिए मरा। प्रियो, हर एक प्रकार, कोई भी प्रकार का आपको मालूम है परमेश्वर के लेवल से नीचे आएगा तो सब पाप है। तो मैं पाप के लिए मरा वो व्यक्ति है करके एक सच्चा ज्ञान हमारे दिल में होना चाहिए। उसका 14 वचन भी पढ़ना, 14 वचन पर तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ, वरन अनुग्रह के अधीन हो। कितना अच्छा बात है ना, आज हम कहां पर है? अधिग्रह के अधीन बोल करके हमें पूरा छूट मिल गया बोल के मनमन में जीना है क्या? नहीं प्रियो, हरेक रोज सवेरे उठते ही हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना। आज यहां पर आने से पहले कितने लोगों ने यह समर्पण किया? उठने के बाद प्रभु ने जगाया ना, चलने के लिए सामर्थ्य दिया ना। प्रियो, कई लोगों को खाना है पर तो खा नहीं सकता, कई लोगों को आंख है पर तो देख नहीं सकता, कई लोगों को कान है वो सुन नहीं सकता, कई लोगों को पाव है पर वो चल नहीं पाता, परंतु प्रभु ने ये सब कुछ हमको दिया और सब बेल भी दिया। प्रभु है, प्रभु है हमारा बेल, प्रभु बेल सपने नहीं करता तो हम कुछ नहीं कर सकता। आंख है तो भी देख नहीं पाएगा, कान है तो भी सुन नहीं पाएगा, मुंह है तो भी बात नहीं कर पाएगा, सबके लिए बेल चाहिए। सबके लिए बेल कौन देता? प्रभु देता। प्रियो, प्रभु सपने करता है, ये बात को थोड़ा ठीक से जानो, है ना। यहाँ पर हमें हर रोज प्रभु के लोग, प्रभु के जन, पवित्र लोग क्या करना चाहिए? जब वही रोमियो उसका 6:17-19 तक वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता, कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, दास करके एक समय में तू सौंपा था प्रभु को जानने से पहले, प्रभु में आने से पहले तुम्हारे जीवन है ना, वो पाप के लिए कुकर्म के लिए सौंपा हुआ एक अवस्था था। अभी क्या करना? वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए, अभी अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। हाँ, कितना अनमोल बात है, अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म की दास होकर के सौंप दो। हमें रोज इस प्रकार का एक समर्पण करना जरूरी बात है। आज भी कितने लोगों ने प्रभु मैं कोई भी बात भी करूंगा, मैं सिर्फ आपका महिमा का बात करूंगा, ऐसा बोल करके सौंपा है क्या? है आपको मालूम है, थोड़ा कुछ तकलीफ आने के समय में
हम प्रभु की इच्छा को बाजू करके अपनी इच्छा में चलता है। प्रेस उस समय भी प्रभु की इच्छा सब बाजू, ये मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह में आने के बाद में आप सूली का याद करने वाले एक व्यक्ति है, तो मैं आपको बताऊं आपके जीवन में हमेशा, मैं आपको बताता ना, गेत्सेमना, गबादा और गोलगोता, ये तीनों याद रहेगा, ये तीनों याद रहेगा। मेरे इच्छा पूरा होना वो नहीं हमारे जीवन के लक्ष्य। देखो प्रियो, हमें इसलिए क्रूस का महत्व जानना है। उस क्रूस का महत्व को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो वहां पर भी हमें मैंने गुजरना पड़ेगा। तो प्रभु ने बोला ना, मेरे पीछे आना के लिए कोई चाहता है तो जबरदस्ती है क्या? नहीं है। चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? ये अपने आप को इनकार ना, स्वयं को, अपने आप को इनकार ना, ये स्वयं को इनकार ना, इतना आसानी बात नहीं। पी कितने लोग बोल सकता है कि मैंने स्वयं को इनकार, अभी भी आप थोड़ा ठीक से परखो, अभी भी स्वयं में है, उधर पाया हुआ 90% से अधिक लोग अभी भी स्वयं में है। प्रभु का गुणा मैं करके कितने लोग बोल सकता? वास्तव में ऐसा है क्या प्रियो? अच्छी तरह परखो, अभी भी बहाना मत बोलो प्रियो, क्योंकि ये वजन के द्वारा न्याय करने वाला एक दिन है। प्रभु की न्यायासन के सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब बात के लिए आदर्श है। तो यहां पर गेत्सेमना बगीचा में यीशु मसीह ने तीन बार पिता से कहा, तीनों बार एक ही बात कहा। आपको मालूम है जब लूका का सुसम 22 अध्याय उसका 42 वचन, ये तू चाहे तो देखा है, तेरी इच्छा है प्रभु, पिता पिता ये तेरी इच्छा है, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। देखा, मेरी ही नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, प्रभु की इच्छा के लिए संपूर्ण समर्पण करने वाला एक बेटा। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु अचानक हुआ नहीं प्रियो, वो कैसे हुआ? प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन, परमेश्वर की ठहरा। देखा, उस यीशु को बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर की ठहराया हुआ योजना। ये योजना कौन बनाया था? परमेश्वर। देखो, सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने हमारे जाति का उद्धार के लिए और कोई भी मार्ग नहीं था, कोई भी मार्ग नहीं था। परमेश्वर की योजना के अनुसार, पूर्व ज्ञान के अनुसार कौन पकड़वाया? पिता ने पुत्र को पकड़वाया और मारा। क्या बात है? यीशु मसीह की मृत्यु अचानक हुआ क्या? नहीं है ना प्रियो, परमेश्वर की सर्वज्ञानी प्रभु का उस पूर्व ज्ञान के अनुसार हमारे लिए ये सब कुछ मरा हुआ है। पिता ने ये काम किया। आप देखो कितना बड़ी बात है ना, है आपको मालूम है? हम लोग ये बात को जानना चाहिए प्रियो। यीशु मसीह ने वो सूली पर जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? उसे पहले कभी ऐसे नहीं चिल्लाया, उसे पहले ऐसे रोया नहीं, है ना? अब पढ़ना मत्ती 27 का 46। इसलिए बाहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या हो गया क्रूस पर? परमेश्वर का न्याय हो गया, परमेश्वर पापी के ऊपर अपने न्याय किया। परमेश्वर इतना धर्मी है, न्यायी है प्रियो। परमेश्वर पाप को देख करके कभी सह नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र पर हम सबका पाप लाया और उस और पापों का न्याय प्रभु ने सूली पर किया। उस समय में हमारा स्थान में होकर के यीशु मसीह ने कभी भी पिता
को पिता छोड़कर और कुछ बोला नहीं, बोला हमेशा बोला पिता पिता, और जो एक ही जगह है प्रियो, हे परमेश्वर लबा लबा सबकानी है, हे परमेश्वर हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कितना भयंकर बात है। आप में ये समझना चाहिए हमारे पाप का सजा कितना भयानक था है। हम लोग उसको कभी ध्यान करता है क्या, कभी ध्यान करता है क्या प्रियो, हम लोग कितना लापरवाही का जीवन मिलाता है। ऐसा मत करो, उधार पाने के बाद में मैं कौन है ये बात का समझ रखो है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का सारा सजा अपने ऊपर उठाया, हमारे लिए वो मारा गया। आप देखिए है ना वहां पर, इसलिए मानव जाति को प्रभु ने एक खोला चित्र दिया प्रभु का प्यार का, प्रभु का धार्मिकता का है ना। रोमियो का पत्र उसका तीसरा अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे और इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। देखा हो, इसका मतलब परमेश्वर का धार्मिकता का प्रदर्शन। यो कालवरी सूली में क्या हुआ, परमेश्वर का धार्मिकता का प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन हुआ। प्रियो कोई भी व्यक्ति को धर्मी बनने के लिए इस मार्ग के अलावा और एक मार्ग दुनिया में है ही नहीं। आप देखिए हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, प्रियो कालवरी सूली का मतलब पिता परमेश्वर का उस ज्ञान से उत्पन्न हुआ हुआ मानव जाति के लिए प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग कितना श्रेष्ठ है कौन समझ सकता प्रिय, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग ही समझ सकता। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ, वो कितना एक बड़ा सबूत है। जब लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 44-45 वचन पढ़ना, लूका उसका 23 अध्याय का 44-45। लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला ज्यादा रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। देखिए मंदिर का पर्दा है मतलब ऊपर से नीचे तक बढ़ गया। आपका मालूम है मंदिर का पर्दा 4 इंच चौड़ा पर्दा, अभी भी एक मनुष्य पाड़ भी नहीं सकता। 4 इंच चौड़ा पर्दा प्रभु ने क्या किया, ऊपर से नीचे तक बांट दिया। इसका पीछे कितना बड़ा भेद है प्रियो, प्रभु का हाथ, प्रभु ने क्या किया प्रियो है। प्रभु यीशु मसीह की शरीर में थोड़ा जाने के समय में प्रभु ने क्या किया, पवित्र स्थान अधिक पवित्र स्थान को अलग करने वाला वो पर्दा को, इतना मोटा पर्दा को है, इतना ऊंचा पर्दा को प्रभु ने नीचे से नहीं ऊपर से फाड़ा, ऊपर से। ये सब प्रभु ने किया, किस लिए किया, प्रभु की लोगों के लिए एक जीवन की मार्ग खोल कर देने के लिए, जीवन को फाड़ कर दिया। ओ इसलिए हम लोग इब्रानियों के पत्र में पढ़ता ना 10 अध्याय में, 10 अध्याय का 19 वचन, सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हाँ नए और जीवित मार्ग, ये कौन सा मार्ग है, नया और जीवित मार्ग है। ओ कितने लोग समझ पाते भैया, हमारे लिए जो भी मार्ग है वो जीवन का मार्ग है, जीवन के मार्ग में हम चलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है, जीवन की मार्ग में प्रभु हमको ले चलता है। प्रियो एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह उस कालवरी सूली पर मरने के समय में पामर मतलब 4:10 4:10
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। देखिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए हमने तीसरा रोमियो तीसरा अध्याय में भी पढ़ा था प्रायश्चित। यहाँ पर बोलता है हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए देखा। आपको मैं इसे पहले भी समझाया, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? कितने लोगों को याद है? याद नहीं है ना? याद रखना। यीशु मसीह हमारे लिए सूली में प्रायश्चित हुआ, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ हम पहले दूर थे, अभी हमें परमेश्वर के साथ मेल करवा करके हमेशा का वाचा बांध लिया। अभी हम कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारा प्रभु के साथ का दुश्मनी था, हम प्रभु से दूर था, अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहराकर प्रायश्चित बनकर अभी प्रभु के साथ मेल करवा करके अभी प्रभु से कोई भी प्रकार अलग नहीं कर सकता, ऐसा एक एग्रीमेंट कर दिया, उसको बोलता है प्रायश्चित। आनंद है क्या? ओ इतना बड़ा कार्य प्रभु ने सूली पर किया पियो, है ना? और इतना ही नहीं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, आपको सबको ये बात याद है लेकिन मैं नया लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। देखा, मसीह में होकर प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति का अवस्था क्या हो गया? धर्मी बन गया। क्या हो गया? धर्मी बन गया। धर्मी का अर्थ क्या है? यीशु मसीह के धार्मिकता हमको दिया करके थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, यीशु मसीह जैसे पाप रहित है निष्पाप है, ऐसा अवस्था में प्रभु ने मुझको और आपको लाया। विश्वास करता है? नहीं है ना? आमीन। नहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। अभी आप मुझे बताओ ना, प्रभु मेरा पिता परमेश्वर ने हमको कैसे प्रेम करता है? मैं ये बात संदेश में बोलने वाला ही था लेकिन इतनी जरूरत पड़ गया है। मतलब योहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय का 9-10 वचन में यीशु मसीह ने कहा, देखिए, जैसा पिता मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। विश्वास करता है? विश्वास करता है? कोई आमेन क्यों नहीं बोलता? सबको कितना जोर से आमेन आना चाहिए भैया। और इतना ही नहीं, इससे भी एक महत्वपूर्ण बात क्या है, उसका 17 अध्याय का 23 वचन, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही वो शब्द थोड़ा ठीक से पढ़ो, वैसा ही तुमसे। कौन बोल रहे? कौन बोला? प्रभु यीशु ने बोला। यीशु मुझसे झूठ बोलेगा क्या? यीशु मुझसे बोलता है जैसा पिता मुझसे प्रेम करता है ऐसा तुझसे भी प्रेम करता है। आनंद नहीं है क्या? आपका चेहरे में ऐसे लगता है कोई कड़वा पानी पी रहा है, ऐसा है क्या? कितना आनंद की बात है, प्रभु झूठ बोलेगा क्या? कितना हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए हैं? प्रियो स्वर्गीय पिता, जितना अपने एकलौता पुत्र है अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है प्रेम रखता है उतना ही प्रेम, उससे थोड़ा भी कम नहीं, थोड़ा भी कम नहीं, उतना ही प्रेम मुझसे और आपसे करता है। हम लोग कितना दयनीय लोग हैं। आज आप प्रभु को क्यों प्यार करता है? सच बोलना, आप प्रभु को प्यार करते हैं क्या? आप प्रभु क्यों प्यार करता है? देखो, आप नहीं बोलेगा तो भी आपके बारे में शैतान बोलता है, शैतान आपके बारे में बोलता है। क्या बोलता? प्रभु ये लोग तुझे प्यार इसलिए करता है तूने उनको आशीष दिया, तूने उनको नौकरी दिया, तूने उनको अच्छा हेल्थ दिया, तूने उनको मन धन दौलत दिया, इसलिए ये तुमसे प्यार करता है। शैतान सबके बारे में बोलता है आपका प्यार ऐसा है क्या? ना ये बोला ना,
ईयोब का किताब 12 अध्याय है, उसका 9 से 11 वचन। शैतान ने ईयोब को उत्तर दिया, हाँ, क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? ईयोब परमेश्वर का भक्ति बिना लाभ से करता है क्या? बोले का अर्थ, तू इतना उनको आशीष दिया हो, क्यों नहीं भक्ति करेगा? उसको तकलीफ देकर देखो ना, फिर देखो प्यार कैसे करेगा। वो तो बात है ना, आज थोड़ा भी तकलीफ आएगा तो, अरे गेस्ट आ गया तो प्रभु को छोड़ देता। जुक्का इधर से गया, नासिक से गया, जेल रोड से इधर ही छोड़ देता, छुट्टी। बारिश का बादल देख लिया, छुट्टी। हाँ, प्यार है, बहुत प्यार है। शायद जाएगा तो बारिश गिरेगा, मतलब बुखार आएगा, छुट्टी। क्या प्रभु से प्यार है ना, कितना प्यार है प्रियो, सच में प्यार है क्या प्रियो? प्रभु का प्यार हमने पाया है क्या? आज हम क्यों प्यार करते हैं प्रभु को? शैतान का बात सही निकला ना, शैतान बोलता है तुमको प्रभु ने उसको आशीष दे करके थोड़ा तकलीफ आने के टाइम पर देखना, वो तुझको इनकारेगा। देखा है कितना चैलेंज है प्रियो। शैतान बोलता है इन लोगों को तूने आशीष दिया, अगर कोई गरीब रहता, उसको संकट में रहता, तकलीफ में रहता, वो तेरा भक्ति नहीं करता। आज वास्तव में ये बहुत लोगों के जीवन में सच्चाई है प्रियो। क्या प्रभु आपको आशीष देने से आप प्रभु को प्यार करता है क्या? है अपने जीवन को परखो। आज भी हम प्रभु की आराधना के लिए जब प्रभु की उपस्थिति में आया, क्यों हम प्रभु की उपस्थिति में आया? प्रभु का प्यार हमको खींच कर लाया या ये दुनिया से हमें आशीष मिला इसलिए और भी आशीष मिलना चाहिए ये चाहत में आया क्या? परखो प्रिय, कितने लोग प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, प्रभु का प्यार, प्रभु से प्यार इस दुनिया की नाशमान बातों के पीछे करता है। परखना प्रिय, आज हमारा प्यार वास्तव में प्रभु को हम किस रीति में प्यार करता है ये जानना है प्रिय, ये जानना है। मैं सच्चा दिल से कह पाएंगे क्या मैं प्रभु को प्यार करता हूं? जैसा दूसरे कुरिन्थी 5:14 में लिखा, प्रभु का दास प्रेषित पौलुस कहता है मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। क्या करता? मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। क्या प्रियो आज प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है? प्रभु का प्रेम विवेश करने के द्वारा मैं मतलब आया मारे को प्रियो। प्रभु हर एक का दिल की अवस्था जानता है, प्रभु का हम जिस प्रकार प्यार कर रहे हो सब प्रभु को मालूम है, हमें परखना है अपने जीवन में है। मैं सच में प्रभु से मैंने छुटकारा पाया, उधार पाया, यीशु मसीह की पवित्र लोगों मेरे लिए बहाया, प्रभु के साथ का संगति उस रेहु के द्वारा मुझे मिला, इसलिए मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं करके कितने लोग बोल पाएगा प्रिय, कितने लोग बोल पाएगा? थोड़ा पारे को प्रिय, आज इस पुनरुत्थान के दिन में जब हम आकर के बिना सोच समझ करके बिना परखते हुए आकर के मेज में हाथ डालता है, अपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को परखा नहीं, प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, सब पूरा हफ्ता मनमानी में जी करके प्रभु की इच्छा को भेंग करके पीछे भेंग करके वजन को पीछे भेंग करके अपना मनमानी में जी करके इधर आकर के मेज में शामिल होने वाला लोग एक बड़ा झूठा गवाही देता है। क्या देता है? मैं प्रभु के लिए जी रहा था, प्रभु मैं तेरी ये लिए रहा था। आप खड़ा होकर के गवाही नहीं दिया तो भी मैच में शामिल होने से आप प्रचार करता है। क्या प्रचार करता? मैं नहीं जिया, मुझे में मसीह जी रहा था। सच बात है क्या प्रियो? अपने आप पर प्रभु इन वचनों के द्वारा मैच में जाने से पहले प्रभु हरेक लोगों को आशीष दे, प्रभु का पवित्र नाम महिमा पाए। आमीन।